कैसा भाई? सो अभी बहुत दिनों के बाद हम दोनों मिले हैं यहाँ पे। सो ये देख लो भाई, पूरा एकदम यार लूज हो चुका है, ठक ठक मार रहा है। यहाँ पे देख सकते हो यार, यहाँ का कलर भी भाई पूरा डिसकलर हो चुका है। ये सब देख लो भाई, पूरा महाकसम भाई एकदम बस तो भाई आराम आराम से यार। टेल टैडी के बाद यार यही प्रॉब्लम होता है। और ये देख सकते हो भाई, ये देख सकते हो, ये पता नहीं किस खुशी में लोगों ने कर रखा। ओ भाई साहब। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। शेयर आपका भाई अभिषेक। एंड आज है ना मंडे, यार आज है ना बहुत दिनों के बाद यार आज ब्लॉग आ रहा। एंड आज यार मैं कोशिश करूँगा भाई कि डेली मैं ब्लॉग कर सकूँ, क्योंकि भाई कुछ प्रॉब्लम्स थे भाई घर में। एंड भाई मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, सो उस वजह से यार अभी ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। बट आज से यार मॉर्निंग में मैं डेली का ब्लॉग होने वाला है। एंड यार डेली मैं ब्लॉग आप लोग के लिए लाने वाला हूँ। सो आज अभी आगे मैं तौसीफ अपना वेट कर रहा है, या तो वो वेट कर रहा है यार, नहीं तो मेरे को जाके वहाँ पे वेट करना होगा। आज अभी अपन थोड़ा सा राइड करने वाले हैं। एंड यार धीरे धीरे यार अभी तो लिमिट में चलने वाला हूँ मैं, एंड उसके बाद लिमिटलेस धीरे धीरे। सो अभी मेरे को पीछे वाला जो व्हील कवर मैंने लगा रखा है ना, उसे मेरे को टाइट कराना भाई, क्योंकि उसका स्क्रू जो है ना पूरा लूज हो चुका। सो जरा सा ही ब्रेकर पे ना इधर उधर खसक के भाई ठक ठक एकदम यार आवाज़ कर रहा है, वो बहुत ही गंदा आवाज़ कर रहा है भाई। लग रहा है जैसे बाइक में कहीं कुछ टूट वूट गया ना, वैसा आवाज़ कर रहा। सो उसे आज फटाफट से ठीक कराते हैं। एंड देन पहले तो पेट्रोल पंप पहुँचते हैं, फ्यूल लेते हैं, क्योंकि यार दो दिन पहले का फ्यूल लिया हुआ। एंड यार जो पैकिंग में कटा हुआ था उसे भी मैंने सही करा दिया। सो अभी चलते हैं एंड फटाफट से पेट्रोल पंप पे तौसीफ से मिलते हैं, एंड देन उसके बाद से निकलते हैं भाई। ओह माय गॉड, माय गॉड भाई यार आगे से बहुत ज्यादा भाई सामने से आ ना भाई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है यार बाइक को भगाने में। बाइक भी नहीं भागते भाई सही से। एंड यार जो नेकेट बाइक होती है ना उसे भाई ऐसे अगर हवा आए ना भाई सामने से तो भगाने में यार नेकेट पर यार बहुत प्रॉब्लम है। एंड जो फेयरिंग बाइक है उसमें यार कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई भगाने में, बट इधर तो डाउन स्लोप है तो इधर में तो भागने वाली है। एंड यार पैकिंग मेरा कंप्लीट है एंड इंजन ऑयल भी चेंज है। सो भाई पैकिंग चेंज करने के लिए ना भाई मेरे को पूरा इंजन यार ओपन कराना पड़ा। एंड यार ये जो स्कूल रहना ना, ये मैं घर से यार आधे घंटे पहले निकला था। ओ भाई सर यहाँ से पहले फ्यूल ले लेते हैं। देख लो यार यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा वो अभी, तो सिर्फ शो से मेरे को कॉल करना होगा यार अभी एक बार। सो पहले फ्यूल लेते हैं एंड देन उसे कॉल करते भाई। 2000 years later। सो भाई इतना ज़्यादा वेट करने के बाद तो सिर्फ देख सकते हो आ चुका है। सो कैसा भाई? सो अभी बहुत दिनों के बाद हम दोनों मिले हैं यहाँ पे। सो आज अपना निकलते हैं। एंड भाई पहले तो ये देख सकते हो यहाँ पे, एंड यार थोड़ा सा सर्दी हो रखा है मेरे को, सो उसे थोड़ा इग्नोर कर देना भाई। सो ये देख लो भाई, पूरा एकदम यार लूज हो चुका है, यार ठक ठक मार रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो यार यहाँ का कलर भी भाई पूरा डिसकलर हो चुका है। ये सब देख लो भाई पूरा पूरी तरह से। सो इसे पहले मेरे को टाइट कराना है एंड उसके बाद अपने को जहाँ पर मैं वर्क करता हूँ वहाँ पर मेरे को जाना है। सो 10 बजे तक मेरे को वहाँ पे पहुँचना है। सो अभी टाइम देख सकते हो आप लोग, टाइम अभी हो चुका है 9:24। सो फटाफट से चलते हैं यार, जल्दी जल्दी करते हैं, मेरे को 10 बजे तक जाना है। सो निकलते हैं एंड आप लोग से मिलते हैं रोड पे भाई। ओ भाई ये तो अलग ही जो उसमें लग रहा है भाई। ओ भाई साहब,
एंड यार ये उतना नहीं कर पाता, सो ब्रेक बहुत जल्दी लेता है भाई कहीं पे, सो वहाँ से घुसता नहीं है। एंड इसे घुसने में यार प्रॉब्लम भी है क्योंकि इसके बाइक में डिक्की है एंड वो इसका लेगर देख सकते हो भाई अंकलों वाला, एंड मेरे को ग्लव्स लेना है भाई। भाई साहब मेरे को लगा था यार कि ये इधर को ही जाने वाला क्योंकि इसका हरकत जो था ना भाई धीरे धीरे इसका हैंडल इधर को ही था नोड़ा था, सो वो तो ही पीछे रह गया भाई। तो सिर्फ भाई उसका ट्रैक्टर का जो पीछे वाला ट्रॉली में ना भाई एकदम ओवर था भाई, तो उसके आगे वाला टायर आप देख सकते थे कि कितना ज़्यादा बम्प कर रहा था, तो उसके आंसर भाई मेरे को डर लगा क्योंकि उसका आगे वाला टायर इधर उधर ना हो जाए, बट कोई नहीं जब यार हाथ लगा दिए तो यार घुस जाओ पूरा। भाई पूरा फोर व्हीलर ना भाई बेरे में टच था बट पैर में जरा सा टच हुआ एंड कहीं नहीं, बुलेट मॉडिफिकेशन वाले भैया का सब बस ओपन हो गया वो बस। अरे तेरी तो महाकसम भाई एकदम क्या बोलूं भाई मैं, मतलब इतना गंदा वाला सीन हो रखा है इधर में। एंड यार बस तो भाग भाई आराम आराम से यार, टेल टैडी यार, टेल टैडी के बाद यार यही प्रॉब्लम होता है कीचड़ ना परे। और ये देख सकते हो भाई, ये देख सकते हो, ये पता नहीं किस खुशी में लोगों ने कर रखा है, मेरे को तो यार यही समझ में नहीं आता। एंड यार यहाँ पे मेरे को इतना स्लो होना पड़ रहा है ना भाई, इतना स्लो भाई 20 तक भी मैं नहीं जा सकता यार, बहुत मेहनत से भाई मैंने कल रात भर बाइक को यार रगड़ रगड़ के यार पोछा मारा यार, टेल टैडी के बाद यही प्रॉब्लम हो जाता, बट कोई नहीं अब टायर सूख चुका। जय बजरंग बली, जय श्री राम। तो भाई ठक ठक मार रहा, अबे यार बंद है बंद है, आई थिंक यार बंद है भाई, आदित्य कार रेंट। सो गाइस अभी तो वो बंद है, सो क्या करें कहाँ पे कराएं, शॉप तो बंद हो रखा है भाई। हाँ ना यहीं पे ठीक है, अपना बताइए थोड़ा, वो नट टाइट कर देते मेरा बस, जला लीजिए। सो अभी अगर बत्ती जल रहा है, अभी अभी दुकान खुला है, सो उसके बाद भैया बोल रहे कर देंगे, सो कराते यहीं से फटाफट से निकलते भाई। A few moments later. So guys, ये अभी उस दिन एक्सेलेटर ढीला हो चुका था, जो इंजन का पैकिंग जिस दिन चेंज कराया था उस दिन ढीला थोड़ा छोड़ दिया गया था, तो इसे अभी सही कराते हैं, सो इसे अभी सही करा लेते हैं। एंड देन उसके बाद वो तो अभी बोल रहे भैया कि गर्म पानी से उसे अभी छुराने के लिए, क्योंकि उस पर फेविक्विक डाला हुआ है भाई, तो उसे गर्म पानी से अभी सही करेंगे एंड देन उसके बाद खुल जाएगा, तो अभी ये कराते हैं एंड देन फटाफट से निकलते भाई उधर। सो हो गया। एंड यार आगे वाले टायर का ग्रिप देख सकते हो भाई, ज़रा भी ग्रिप नहीं है, सो अभी निकलते यहाँ से एंड पहुँचते दुकान पर। सो मैं तो मतलब अभी मैंने वाइज़र देखा एंड शाम में आकर भैया को बोला मैंने कि शाम में वाइज़र लेंगे, सो वाइज़र अभी टूटा हुआ, सो वाइज़र मेरा अभी नहीं उठ रहा अभी, सो आते हैं शाम में एंड वाइज़र लेते हैं एंड
इसका तो भैया बोलेगी गर्म पानी। सो चलते हैं फटाफट से एंड कचहरी साइड, वहाँ पे पहुँचते हैं एंड देन निकलते हैं भाई। ओ भैंस की आँख भाई, इसी का कमी था, यही दिक्कत। बट कोई नहीं, साइड से निकाल लेते हैं भाई, साइड से उधर से। भाई साहब यही क्रॉसिंग का यार प्रॉब्लम होता है। ओ अंकल जी यार कितना सही काम कर दिया ना भाई। अरे अंकल जी स्टार्ट कर लो। हो गया हो गया। ओ भाई सो यार कोई सीन नहीं है, किधर से ट्रेन है। ओ भाई प्लेटफॉर्म से निकल रहा अभी। आई थिंक यार वो फंस गया है, सो देखते हैं उसका निकलता है या नहीं। डबल बाइक है भाई, लोग लेके चले जा रहे यार उसी कारण से। एंड यार ट्रेन भी आ गया भाई, जल्दी आ, उधर आ गया ट्रेन भाई। क्या ही सेक्सी लग रही है यार, देख सकते हो, किसी की नज़र ना लगे भाई मेरी बाइक को। इसकी बाइक यार फंस गई थी वहाँ पे, सो अभी तो आ गया। एंड अब किधर से चलेगा, इधर चलेगा या इधर चलेगा, किधर से चलेगा, किधर से। इधर में रोड पे यार बालू गिरे रहते ना भाई, सो उस वजह से यार थोड़ा थोड़ा डर लगता है भाई मेरे को, कहीं टायर वायर ना स्किट कर जाए यार, जरा भी स्किट होगा ना यार बहुत भयंकर यार गिट्टी विट्टी सब यार घुस जाएगा। क्या बोलता है, चला वो भाई खाली है, बट फिर भी यार डर तो लगा रहता ना। सो कचहरी साइड निकलते भाई, कहाँ गया वो, कहाँ पे रह गया यार, डरा देता है भाई तू लोग। अरे तू लोग कहीं छूट गया था ना भाई, तो मेरे को लगता नहीं कहीं गिर गिर गया क्या। बहुत दिनों के बाद यार इधर में आया यार, कम से कम 20-25 दिन हो रखे हैं भाई मेरे को आए हुए इधर। सो थोड़ा थोड़ा फील ले रहे हैं भाई इधर में। अभी सुबह सुबह का टाइम है भाई, तो कोर्ट एंड अदर ऑफिस सब का यार टाइम है अभी, सही टाइम में यार थोड़ा सा रस होता है इधर में। एंड दोपहर में तो यार रस ही रस, अभी शादी वादी का सीजन चल रहा है ना भाई। सो फाइनली वी आर रिच, तो वो रिच नहीं भाई, फाइनली वी आर रिच इन दिस प्लेस। सो आज यार, आज का व्लॉग यार आप लोग बताओ, बहुत ही बॉम्ब्स आए यार, बहुत दिनों के बाद हुआ। सो मैं आज उतना बोला नहीं आप लोगों से, आप लोगों से तब उतने सारे बातें नहीं की मैंने। सो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं एंड अभी तो निकलते यार, टाइम हो रखा है देख सकते हो टाइम अपना भाई 10:15 बाय गॉड। तो अभी निकलते हैं एंड चलते हैं दुकान पे। सो आज का व्लॉग यार यही तक, एंड यार कमेंट में बताओ कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि यार बहुत दिनों के बाद व्लॉग था। सो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, सी यू सून भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।